मैंने कुछ काट लिया सच में। तो देवी और सज्जनों, अंजलि के पैर में कुछ काट गया है, उसे एकदम से झटका लगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम ना छत पे बैठे धूप सेक रहे थे, तो ऐसे ही मैं ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखने लगा, तो दिल्ली की किसी की वीडियो थी वो, तो उसमें ना वो कॉफी बना रहे थे, तो ना मैंने देखनी शुरू ही करी थी। एकदम मैं यूं देख रहा था, मेरे हाथ से ना फोन गया और ना इसने छीन लिया, तो मैं इसको यूं देख रहा हूँ। तो ये बात बोलने की थी यहाँ पे? नहीं, ये बोलने की थी क्योंकि बड़ा ना ऑकवर्ड सा सीन हुआ कि आप ना कुछ देखते हो एक्साइटमेंट में और ना ही बड़े ध्यान से देख रहे हो, कोई आता है आपके हाथ से वो चीज लेता है और आप क्यों लेता है, यूं देखते रह जाते हो। क्यों लेता है? मतलब कि चलो कोई बात नहीं, क्यों लेता है? क्यों लेता है? क्योंकि आप जब भी देखते हो, मैं जब भी कुछ देखती हूँ तो मैं आपको साथ के साथ दिखाती हूँ कि ये देखो, और आप यूं देखते रहते हो और मैं सुनते रहते हो, बस साउंड हो क्या रहा है और हंसते रहोगे देखते रहोगे, और मैं सिर्फ या तो फोन को देखूंगी आपको देखूंगी हो क्या रहा है, मुझे देखना था मैंने ले लिया। तो पूछ के ले लो, मैं भी तो देख रहा हूँ। तो ना चलो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो वो जो कॉफी थी वो ना मड में बन रही थी, तो मड समझते हो जैसे रेत होती है ना, उसमें वो कॉफी बन रही थी। तो हम जब कॉफी बनाते हैं, नॉर्मल कॉफी बनाते हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ दो ऐसे इंग्रेडिएंट डाले। मड तो वो नहीं होता, कीचड़ होता है? नहीं, मिट्टी होती। तो बोल तो टर्किश मड रहे थे उसको, चलो जो भी हो, वो तो सैंड होती है। लेकिन उन्होंने तो टर्किश मड बोला था। लेकिन उन्होंने ना उस कॉफी में कुछ ना दो ऐसे इंग्रेडिएंट डाले जो हमने आज तक कॉफी में कभी डाले नहीं। तो हमने सोचा कि हम भी कॉफी बनाते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कॉफी कैसी बनेगी। तो बनाए फिर? मैं तो कब से बोल रही हूँ पिला दो कॉफी, पिला दो कॉफी, पिला दो कॉफी, और अभी भी मुझसे पूछे भी चलो बनाए, और चलो मैं ही बोल रही हूँ कि बना दो कॉफी, बना दो कॉफी। तो आप भी तो हेल्प करोगे ना? मैं कोई हेल्प नहीं कर रही। पक्का? चलो फिर कॉफी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी बनी। इनको भी पिला देना? हाँ, आपको भी पिलाएंगे कि कैसा टेस्ट बना उसका, आप भी ट्राई करके देखना। कॉफी वैसे तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन ना मैं जो कॉफी बनाता हूँ ना वो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता हूँ, और उससे मैं अच्छी कॉफी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं पीता हूँ मीठी। अब चाहे चाय हो या कॉफी हो या दूध हो, मैं बहुत मीठी पीता हूँ, और ये पीती है जैसे बिल्कुल ना। नहीं, बात ना मीठी की नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट टेस्ट लेते हैं, वो मेन पॉइंट है कि मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है, आपको थोड़ा सा लाइटर टेस्ट पसंद है, तो वो बात है मेन। तो चलो पहले कॉफी बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम बना रहे हैं। बहुत ही मस्त कॉफी बनाएंगे, बहुत ही मस्त। तो आप भी लेके आ रहे हो फिर वो? क्या? ना ना, हम तो गैस पे ही बनाएंगे। पहले मेरे मन में आया था मैं भी ना रेत टाइप कोई चीज लेके आता हूँ, कढ़ाई में गर्म कर करके ना, तो फिर हम कॉफी बनाएंगे। फिर मैंने इसको बोला मूंगफली भी रखी है, वो भी भूनेंगे। वैसे काम करते हैं, आज हम नॉर्मल बनाते हैं और किसी दिन हम, हाँ वो भी ट्राई करेंगे आपके साथ। तो चलो पहले ना बनाते हैं, कैसे बनती है देखते हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं दो प्यारे प्यारे से कप। Yeah. अब इन कप्स की भी एक स्टोरी है, और वो क्या स्टोरी है वो अंजलि बताएगी। ये कप कहाँ से आए? तो मैं ऐसे ही बस अपनी वॉइस में ही बताऊँ या मैं खुद भी आऊँ? नहीं, आप ऐसे ही बता सकते हो। हाँ जी, शक्ल लोगों को याद है, मेरी शक्ल कोई भूल मत जाना, मेरी आवाज को पहचानना। तो अभी पहले स्टोरी बताओ। ये कप्स हमें मिले थे, हमारी मम्मी ने हमें गिफ्ट किए थे एनिवर्सरी पे, हमारी एनिवर्सरी पे। तो और हमारी एनिवर्सरी भी बड़े मजेदार होती है, साल में दो बार। तो हम इसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं आपको, आप वो क्लिप देखिए जब हमने इसे अनबॉक्सिंग करा था। और आप तो करने में भी नहीं आ रहे थे। और मैं करने में नहीं आ रहा था, मेरे पीछे पड़ गई थी ना, अभी खोलो मैं देखूंगी। इसी बात से मैं भी बताऊंगी। सबसे अच्छी बात पता है क्या, जब मम्मी ने बॉक्स दिया ना, मैंने यूं उठाया और मैंने बोला इसमें कप है। ये तो आपकी बड़ी गंदी आदत है। मम्मी का जो चेहरा था ना, उनको ना मुझे भी याद है, वो थोड़ा नहीं, वो बिल्कुल ना एक्सप्रेशन डाउन हो गया मेरे को बिना देख के हुआ कि चुप नहीं रह सकते क्या थोड़ी देर के लिए आप। Oh,
जाती हूँ, इनकी ना बहुत गंदी आदत है, ये ना गिफ्ट को देखेंगे और पहली बोलेंगे यूं करके ना इसमें तो ये होगा, और ना वो निकलता भी है। अरे यार अगर चलो आइडिया है बोलो तो मत कम से कम थोड़ा सा एक्ट कर लिया करो कि हाँ किसी ने कुछ दिया है। बड़ी गंदी हरकतें हैं इनकी इस मामले में। तो चलो आपने देख ली क्लिप, अब इसमें हम डालते हैं दूध, क्योंकि क्या होता है जो वैसे हमने कॉफी देखी थी उसमें उन्होंने पहले डाला था पानी। पानी तो मैं कोई भी चीज बनाता हूँ चाहे चाय हो या कॉफी हो, मैं उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालता, मेरी आदत तो है। मैं आप ही के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए एक मिनट। हाँ जी तो सॉफ्ट, तो हम इसमें डाल रहे हैं दूध। दूध नहीं दिख रहा, सिर्फ बर्तन दिख रहा है। ये लो ये देखो, अब हम इसमें डाल रहे हैं दूध। ये दूध हमारा गाय का दूध है, प्योर दूध है। भैया स्पेशल बोलते हैं कि मैं पानी मिक्स नहीं करता, और ये बात मुझे मत बोलना कि मैं इसमें मिक्स किया हुआ है कुछ, बुरा लग जाता है उनको। भैया बहुत अच्छे हैं भैया, हमारे दूध वाले भैया। हाँ जी तो दूध हो गया, अब हम इसको बॉईल करेंगे। दूध को बॉईल कीजिए। सो स्माइल, अब दूध में हम डालेंगे चीनी। चीनी चीनी, ये जो चीनी का डिब्बा आप देख रहे हैं, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच, नहीं इतना नहीं, क्या कर रहे हो। तो मैं क्या कह रही थी कि चीनी का डिब्बा है ये इनका फेवरेट डिब्बा है, इन्होंने कहा था कि मैं बचपन से इस डिब्बे को देख रहा हूँ, डिब्बा कहीं जाना नहीं चाहिए। तो अब जब तक बॉईल आता है फिर हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है, पहले जब तक बॉईल आ रहा है हम थोड़ी सी वेट करते हैं। तो देवी और सज्जनों, अब हमारा शेफ चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे आए हैं अंजलि जी जो कि हमसे पूछकर सारा काम करने वाली हैं। मैं आपसे नहीं पूछने वाली। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, दूध बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे कॉफी। तो अंजलि जी कॉफी डालिए डालिए डालिए, आज ही डालनी है। और ऐसे कभी कॉफी नहीं डालते है ना, जम जाएगी इसके भाप से, ये देख जम गई। आपने बोला तो जमिया तो मेरी जमीन ही थी है। ऐसे ही होता है, अनप्रोफेशनल शेफ हैं ये, इनको भी कुछ नहीं पता, तो मुझे लगता है मुझे ही अपनी बागडोर संभालनी पड़ेगी। ऐसे नहीं करते ये। ऐसे नहीं होता ना ये। ये तो मारेगी। खतरनाक शेफ है ये तो, करके मारेगी कुछ आज। अरे स्पून किस लिए रखी है, इस पे कॉफी डालो और उसमें चलाओ, बता। ये बंद कर देता हूँ गैस में। बड़े अच्छे शेफ हैं ये तो, एक कॉफी डालने में 10 घंटे लगाएगी। अभी तो आप कह रहे थे साथ के साथ ओपन करियो, मैं तो फिर भी पहले ओपन कर चुकी थी। चलो अब कॉफी इसमें डल रही है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक कुछ ऐसा नहीं डला, अभी डलने वाले हैं दो इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे जो हमने नेट पे देखे थे। मैं तो कह रही हूँ मेरे को ऐसे ही दे दो, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। नहीं वही तो मजा आएगा। एक और डालोगे या दो बहुत है? दो बहुत है वैसे। नहीं मेरे को तो इनफैक्ट दो कम लग रहे हैं, मैं तो और डालने की सोच रही थी। काले ना हो जाए पी के हम। ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलो गैस ऑन करते हैं, अब इसमें डालते हैं वो दो इंग्रेडिएंट। अब इसको चला तो दो, उत्तरी कितनी सारी कॉफी डाल दी। मारेगी ये तो, चला भी दो इसको, बेकार से शेफ है हमारे यहाँ। अब इसमें हम डालते हैं अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। वाह 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 क्या सुंदर लग रहा है, दिखाना, बंदर लग रहा है अभी तो। तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम डालने वाले हैं, वो है टन टन, ये काली सी चीज बहुत ही अच्छी है। इसको इसमें छेद करना है अभी। पहले मैं हंसा फिर लूं मैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना एक इंग्रेडिएंट। हाँ जी फ्लेम तो ऑन करनी है। तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं अपना एक इंग्रेडिएंट जो कि हमने देखा था, तो ट्राई हम पहली बार कर रहे हैं, तो डालो फिर हम बताते हैं है क्या। इसमें 4 ड्रॉप्स डालने हैं आपको। 1 हाँ जी, 2 हाँ जी, 3 हाँ जी, और जो पहले वाली थी ना वो 2 के बराबर थी। अच्छा तो हमने 4 ड्रॉप्स डाल लो, तो इसमें हमने 5 ड्रॉप्स डाल दिए। नहीं तो हमने इसमें 6-7 ड्रॉप डाल दिए। तो ये क्या था, अंजलि जी से पूछते हैं। हाँ जी
इट्स वन ऑफ वैनिला एक्सट्रैक्ट यू नो ये हिंदी में बोलो ये वैनिला एक्सट्रैक्ट था ओके एक्सट्रैक्ट का मतलब ऐसे एक्सट्रैक्ट वो होता है कि जो उसका जो वो मतलब फ्लेवर होता है एक निचोड़ सा होता है मतलब हाँ वैनिला का फ्लेवर हमने इसमें डाला अब इसमें हम डालेंगे सिनेमन हाँ नहीं 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 हाँ वो तो डालना है हमने दो दो इंग्रेडिएंट हमने बोले हैं ऐसा करती हैं कि एक मैं अपना नॉर्मल टेस्ट ले लेती हूँ और एक आप अपना वो ले लेना नहीं फिर एक अच्छा लगेगा फिर नहीं फिर एक जैसा ही पिएंगे नहीं नहीं तो गाइस हमने दो इसमें इंग्रेडिएंट देखे थे एक था सिनेमोन जिसको दालचीनी बोलते हैं और दूसरा था वनीला एक्सट्रैक्ट तो फिलहाल हम इसमें सिनेमोन नहीं डाल रहे हम सिर्फ वनीला एक्सट्रैक्ट डाल के नहीं यार फिर ना एक जैसा ही पिएंगे अच्छा सुनो आप कमेंट करना कि ना क्या हमें सिनेमन डालनी चाहिए दालचीनी या नहीं अगर हाँ तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो चैलेंज करके दिखाएंगे सिनेमन वाली कॉफी एक्चुअली क्या है ना डालने का तो मैं डालूं बट मुझे ना उसका फ्लेवर थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है मुझे उसके मुझे वो अच्छा नहीं कॉफी की लाइट है क्या स्मेल कॉफी कॉफी है सिनेमन तो सिनेमन है अच्छा एक्चुअली मैंने एक बार वो सब्जी में डाल दिया था तो मुझे उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी ना उसकी तो मैं फिर मन नहीं है उसको डालने तो इसमें थोड़ा सा बॉईल आने दे चलाया आपने इसे स्पून से तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉईल आता है वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तभी तो मैं कह रही हूं मेरे को वनीला एक्सट्रैक्ट जैसे हमने डाला है ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसे लग रहे जैसे आइसक्रीम हाँ रियल आइसक्रीम जैसे हो तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है सुंदर है चलो डालो अब हो गया सिनेमन हाँ ये नहीं नहीं ये बन चुकी है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और अब सर्व करते हैं सो ध्यान से काम किया करो मेरे वाला जो कप है ना वो ये वाला है और अंजलि का ये वाला कप है ना तो कॉफी हमारी रेडी है ये जो कप है ये है अंजलि का इसका जो दिल है थोड़ा सा वो फीका पड़ गया कलर बताइए ये मेरा पिंक कलर है पिंक कलर तो टेस्ट करते हैं यस Cheers. बहुत मस्त बनी है कॉफी अभी इसमें तो धुआं भी है उससे पता लग गया आपको एक चीज बताता हूँ ना ये ना कोई भी गर्म चाय हो कॉफी हो या दूध हो ये ना उसे ना मैं चाय पीती हूँ हाँ चाय तो पीते नहीं है दूध वगैरह कुछ भी गर्म चीज हो ना उस पर पी नहीं पाती जैसे बच्चों होता ना एक बार मैं कर लिया कई बार दूध वगैरह गर्म करता हूँ तो आया इसने उठा यूं करती है इसको ये नहीं पता यूं करते हैं अभी भी देखो पूंकी चल रही है इसकी इसने एक सिप भी नहीं दी है अच्छा टेस्ट करो बताओ बहुत ज्यादा पूंक मारो ना आप ऐसे मेरे बारे में बोल रहे हो ऐसे करते हैं देखो ऐसे इतनी देर में टूटी जा रहा है देखो एक पूंक मारनी है उसे और बिल्कुल थोड़ा सा नहीं है कैसा है टेस्ट पता नहीं लग रहा चल रहा है तो गाइस इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तभी पिएगी ये तो और आप भी ट्राई करें वेनिला एक्सट्रैक्ट कोई ज्यादा महंगा नहीं आता 30 rupees का था वो जो था और काफी चलता है आप उसे आइसक्रीम अच्छी है ना वैसे स्ट्रॉन्ग बनी हाँ, है बहुत अच्छी बनी है आप भी ट्राई करें और इसकी कॉफी तो कम से कम आधे घंटे में खत्म होगी तो आप अपना ध्यान रखें आप भी ट्राई करें तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय बाय